फाइन, तो अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर एक आपको मैंने एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, दो क्वेश्चन ऐसा, एक या दो क्वेश्चन, जिसके अंदर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा एक साथ कंपनी ने मांगा है, दोनों पैसे एक साथ मांगे, तो अपन उसकी एंट्री मांगे, तो उसमें अलॉटमेंट अलग से नहीं मांग रहा। जैसे मेरे पास डाउट ये आया कि सर इसमें अलॉटमेंट में कितना है, एप्लीकेशन में कितना है, भाई वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मांग लिया, ठीक है। तो अब उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो मुझे आपको बताना है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड, हाँ बोलो, अब क्या कह रहे हो बताओ मेरे को। सर जैसे तीसरे क्वेश्चन में है सर, 5 रुपए है टोटल, हाँ 1 रुपए प्रीमियम का है और 4 रुपए अलॉटमेंट अप्लीकेशन का, तो सर 2 2 रुपए मान सकते हैं क्या एप्लीकेशन और नहीं डिमांड नहीं का? नहीं मान सकते आप, वो कंपनी ने दोनों पैसे एक साथ मांग ली। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, अगर आपके पास कोई इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, मान लीजिए कंपनी कायदे से एक कहती है कि भाई ऐसा है कि आपने कोई गाड़ी बुक करा, कोई भी सामान लिया, तो वो इंस्टॉलमेंट पे लिया, तो एक ने कहा पहले आप एक इंस्टॉलमेंट पहले आप एडवांस दीजिए, फिर जब आप लेने आएंगे तब दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, फिर उसके 2 महीने बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, फिर उसके 2 महीने बाद चौथी इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, 4 इंस्टॉलमेंट। तो वो कंपनी ये कह रही है कि आप अभी का और जब आप सामान लेने आएंगे तब जो आपको इंस्टॉलमेंट, दोनों इंस्टॉलमेंट आप अभी दे दो। मतलब आप जब वो सामान लेने के लिए आएंगे, सामान की डिलीवरी लेने के आएंगे, जब वो चीज लेने आए तब आपको नहीं देने, उसके 2 महीने बाद ही देने, है ना। तो कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ ले लिया, ठीक है, नहीं है ना। अच्छा देखिए क्या होता है, अगर क्वेश्चन एक क्वेश्चन दूसरा है शिवानी लोधी का कि अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर लिखना, अगर ये प्रेफरेंस शेयर ही है तो भी प्रेफरेंस शेयर लिखना जरूरी है क्या? भाई अगर प्रेफरेंस शेयर हो तो प्रेफरेंस शेयर लिखिए आप, इक्विटी शेयर है तो सिर्फ इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ शेयर लिखेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इक्विटी सामान्य शेयर है, नहीं होता तो उसको इक्विटी माना जाता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस लिखना जरूरी है, क्योंकि वो मालूम नहीं कि वो प्रेफरेंस है तो आपके नंबर कट जाएंगे। सर उसमें सर शेयर कैपिटल लिखते टाइम भी उसको लिखना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो कंपनी ने सिर्फ एक ही शेयर इशू किए हैं, वो भी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, लेकिन अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और परसेंटेज लगा के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना जरूरी है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर अपने आप नहीं माने जाते जब तक प्रेफरेंस शेयर लिखा नहीं, शेयर लिखा है तो उसको इक्विटी शेयर मान लिया जाता है, बट प्रेफरेंस शेयर के साथ ऐसा, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर जहां है वहां प्रेफरेंस शेयर लिखना जरूरी है, हाँ ठीक है। उसमें अगर इक्विटी शेयर नहीं भी है तो प्रेफरेंस शेयर भी है अगर सिर्फ, तो भी प्रेफरेंस शेयर है तो बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस नहीं होता तो लिखना चाहिए, जो मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे जैसे मैंने आपसे कहा था ना बोर्ड के अंदर स्कोर करना एक अलग कला है और दूसरी चीज, तो उसके हिसाब से तो वो आपको लिखना चाहिए। तो आई थिंक ये 12th क्वेश्चन है जिसके अंदर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ मांगा है और कहीं भी मैंने मांगा है दूसरी जगह भी। अच्छा ये 3rd क्वेश्चन में भी तो है, 3rd क्वेश्चन में भी, चलिए पहले मैं 3rd क्वेश्चन ले लेता हूँ, 3rd क्वेश्चन के बाद 12th क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट है ये 3rd क्वेश्चन में जो दिया हुआ है और इसको आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, ये मैं कॉलम्स कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मेरे को टाइम बचेगा। ऑनलाइन के अंदर सारा टाइम मैनेजमेंट का खेल है। महबूब लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू द पब्लिक, 10% के प्रेफरेंस शेयर्स पूर्वाधिकार अंश जिसको कहते हैं शायद, दिए 10,000 और इसमें 20% प्रीमियम था। इसके अंदर कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मांग लिए आपसे, इसके अंदर कंपनी ने, अभी बताता हूँ कौन सी एंट्री कंबाइन होगी, इसके अंदर कंपनी ने 5 रुपए आपसे ले लिए जिसमें 1 रुपए प्रीमियम भी है, 12 रुपए का शेयर हो गया, कंपनी ने दिए सारे पैसे मांग लिए, सारे मिल गए, 190 पे नहीं आए, वो हम एंट्री देखते जाएंगे, डेट हमें दे नहीं रखी है। तो पहली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये है उस पूरे अकाउंट का नाम, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द अकाउंट, ये आपका पूरा अकाउंट का जो नाम है वो ये,
ठीक है, अब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसको चलिए मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शॉर्ट, ये इस अकाउंट का नाम ही एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है। कितने, ठीक है, कितने रुपए है, 5 रुपए, कितने शेयर है, 10,000, 10,000 की एप्लीकेशन, तो 50,000 रुपए आपके पास में है, ठीक है, 50,000 रुपए आपके पास में है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 शेयर्स के ऊपर 50,000 ये पे आ गए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1, 1 रुपए का प्रीमियम मिला था। तो ये मेरे पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का पैसा आया, डन। तो ये मेरी हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री, ये जो 10% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है, ठीक है, इसको मैं डेबिट करूंगा। फिर इसको डेबिट करने के बाद जो पैसा एप्लीकेशन का है वो एप्लीकेशन सॉरी कैपिटल का है, कैपिटल में जाएगा टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये हमारा आ गया अमाउंट, इसके अंदर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, ठीक है। इसको क्या है, ये 50,000 रुपए में 1 रुपए, यहाँ पे 1 रुपए प्रीमियम है तो 10,000 रुपए प्रीमियम में चला जाएगा और 40,000 रुपए कैपिटल। अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री नहीं होगी, अलॉटमेंट मिलने की एंट्री भी नहीं होगी, एप्लीकेशन के साथ ही अलॉटमेंट ले लिया, तो अब डायरेक्टली आप आ जाइए फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल। 10% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट, इसके साथ भी प्रीमियम है तो यहाँ पे भी हमें प्रीमियम के लिखूंगा, अमाउंट भी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ये एज इट इज ये दोनों अकाउंट मेरे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें कितना रुपए मांग रही कंपनी, 7 रुपए मांग रही, तो 10,000 शेयर पे 70,000 रुपए मांग रही, 70,000 रुपए में कैपिटल के हैं 7,000 रुपए, प्रीमियम के हैं 10,000 रुपए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹1। ये हमारी एंट्री हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू होने की, ठीक है, ये हो गई। अब ये हमें प्रेफरेंस शेयर का पैसा मिलेगा, लेकिन ये 190 शेयर्स पे रिसीव नहीं हुआ है, 190 शेयर्स पे हमें नहीं मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो आपने को जब फर्स्ट कॉल मिला तो फर्स्ट कॉल में 70,000, 190 शेयर्स पे नहीं मिले 7 रुपए के हिसाब से, तो अपने को 1,330 रुपए नहीं मिले, ठीक है, तो 70,000 में 1,330 रुपए नहीं मिले अपने को, तो अपने को कितने मिल गए, 68,670। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड ऑन 10,000 में 190 हटा दीजिए, 9,810 शेयर्स, इतने शेयर्स जो मिल गए आपने, बस ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल मिलने। इसमें क्या हुआ, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर ली, हाँ फॉरफिट कर लिए, तो फॉर फ्यूचर के अंदर भी हमारी 4 अकाउंट्स आएंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट,
और यहाँ आ जाएगा हमको क्रेडिट करने में कॉल सिनेरियस, कॉल सिनेरियस अकाउंट, और ये दूसरा जो है फॉर फ्री, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 190 शेयर्स फॉर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट, ये हमारी एंट्री बन जाएगी, ये हमने फॉरफिट कर लिया। कितने शेयर? 190 शेयर। 190 शेयर्स पे कंपनी ने सारे पैसे मांग लिए तो 1900 आ जाएगा यहाँ पे, पूरे पूरे 10 रुपए मांग लिए। प्रीमियम कौन सा नहीं मिला? एक प्रीमियम नहीं मिला फर्स्ट कॉल का, तो 190 रुपए ये नहीं मिले अपने। कॉल सिनेरियस, कॉल सिनेरियस तो यही का यही है, पूरा पूरा एज इट इज यही का यही कॉल सिनेरियस में। अब मिले कितने? अब भाई मिले कितने, अपने को 5-4 रुपए मिल गए, 5 रुपए में एप्लीकेशन पे मिले जिसमें प्रीमियम था, 4 रुपए मिल गए। 190 × 4 कितना हो गया? 760, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ सब जागे और क्लास के अंदर अटेंड कर रहे हैं, जवाब आना चाहिए। सारे शेयर 11 रुपए में रीइशू कर, सारे के सारे शेयर 11 रुपए में रीइशू कर। बैंक अकाउंट डेबिट और 2 शेयर कैपिटल। अच्छा वहां पे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, प्रेफरेंस शेयर आएगा ना, 10% प्रेफरेंस शेयर यहाँ पे भी आएगा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे मैं इशू करूंगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैप, बैंक ऑन डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैप। इसको कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया, ज्यादा पे इशू किया। यहाँ पे रिटेट में भी लिखेंगे 10%, हाँ लिख दिया भाई साहब मैंने, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड, बस तक काफी। 190 शेयर्स हैं, वो हमने इनको 190 शेयर्स पे 10 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे आ जाएगा 1900 10 रुपए फुल्ली पेड ही रीशो में, ये आ जाएगा 190, 1 रुपए ज्यादा लिए, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 2090 2090 2090। अब यहाँ पे डिस्काउंट तो कोई दिया ही नहीं, तो जो सारा फॉरफिटेड का पैसा है पूरा पूरा कैपिटलिज्म में हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो एक एंट्री जो हमारी एक और हो जाएगी लास्ट के अंदर, दैट इज दी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके ओके, ये हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस इन, यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड में प्रेफरेंस शेयर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर, ये हमने बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया 760 रुपीज। यस सर, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कुछ इस हिसाब से होगा, ये क्वेश्चन कुछ हमारा इस हिसाब से होगा। इसके अंदर अगर अभी जो कुछ मैंने किया है इसमें आपको किसी को कुछ चीज पूछनी हो तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो जाएगी, स्क्रीन छोटी कर दीजिए, स्क्रीनशॉट। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली चीज अगर ये सब कुछ एक ही स्क्रीन पर आ जाए तो वो ज्यादा सही है, तो मैं उसी की कोशिश में हूँ, तो वो मुझे थोड़ा सा आप एक मिनट का पॉज दीजिए, मैं इसको मुझे इसमें कुछ सेटिंग देवानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अभी आपका काम, जस्ट मिनट जस्ट मिनट जस्ट, प्रेजेंटेशन प्रॉपर चाहिए। ओके, डन 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 डन। तो ये ओके ठीक है, ये
ठीक है, तो इस हिसाब से आ जाएगा। तो अब आप इसको, मैं एक बार करता हूँ, इसको आपको चाहिए ना एक ही पेज में, इसको थोड़ा सा कंडेंस कर देता हूँ। एक जरा सी एंट्री जो है वो ज्यादा जा रही है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन हटा दीजिए, क्वेश्चन हटा दो, नहीं मत करो ऐसा, नहीं ऐसा मत करो। चलिए ठीक है, ये आ गया आपका, और मैं उसको ठीक है, अब आपको दिखेगा नहीं ये, इसलिए इसको मैं वापस से ला रहा हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, और मैं आपको इसको भेज दूँ। ठीक है, तो बस इसके अंदर ध्यान आपको ये रखना है मेनली कि आपके पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा एक साथ आ गया है, तो दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। सर जैसे यदि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा एक साथ मांग रहा है और अलग अलग मिल रहा है, तो फिर कैसे एंट्री करेंगे? क्या चीज फिर से बोलो सर? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा एक साथ मांग रही है कंपनी। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा एक साथ कभी नहीं है। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में तो डिफरेंस होता है। आपको अगर ध्यान है तो मैंने क्लास में बताया था कि जब कंपनी अलॉटमेंट करती है, अलॉटमेंट का पैसा उसी समय मांगती है। इसीलिए जब हम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन और शेयर कैपिटल की एंट्री करते हैं, तो वो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसी समय हम शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल भी करते हैं। इसलिए ये पॉसिबल है कि कंपनी अलॉटमेंट और एप्लीकेशन को तो साथ में ले ले, लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल साथ मिले ये संभव नहीं। फिर वो फर्स्ट कॉल का मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा है तो पूरा पैसा अलॉटमेंट का ही कहला जाएगा। हाँ, अगर ऐसे मांग ही नहीं, क्योंकि उसको अलॉटमेंट ही कहा जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वो अलॉटमेंट ही कहा जाएगा, फिर हम उसको अलॉटमेंट ही कहेंगे। और वो क्योंकि वो अलॉटमेंट और उसका कोई बस नहीं निकलता, ठीक है, वो फिर अलॉटमेंट ही कहलाएगा। बिल्कुल सही, फिर उसका यही चीज आएगी। तो इसलिए जरूरी है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ तो मांगा जा सकता है, लेकिन अलॉटमेंट और वो एक साथ नहीं मांगा जा सकता। ठीक है, ये एक चीज है। सर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, नैन लिमिटेड हैड ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 8 lakhs डिवाइडेड टू, जब इसमें सर जब कंपनी रीइश्यू कर रही है तो 11% रीइश्यू कर रही है और इसमें प्रीमियम भी नहीं है। तो क्या मतलब प्रीमियम रीइश्यू में क्यों नहीं हो सकता? अभी हमने थर्ड वाला क्वेश्चन किया ना, थर्ड वाला, ये तो इसका मतलब ही थोड़ी कि जब हमने प्रीमियम में चला जाएगा, ये जो पहले प्रीमियम है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। ये आपका अगर ऐसा नहीं, अगर आपको ये सोचना है कि पहले हमने प्रीमियम पे दिया तो ही हम बाद में प्रीमियम पे दे सकते हैं, तो पहली चीज आपके दिमाग में बैठा लीजिए कि इन दोनों का आपस में कुछ भी लेना देना नहीं है। नथिंग टू डू, इन दोनों का कुछ भी आपस में लेना देना नहीं है, इसका कोई कनेक्शन। ये प्रीमियम जो आपने रीइश्यू पे प्रीमियम दिया है, जब आपने दोबारा इश्यू किया ये प्रीमियम बिल्कुल अलग है, और जब आपने ओरिजिनली पहले जब इश्यू शेयर इश्यू किया था तब ये प्रीमियम बिल्कुल अलग, इससे कोई मतलब नहीं। इन सब प्रीमियम का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है कि वो पहले प्रीमियम था तो होगा, उससे कोई मतलब। ठीक है, मैंने आपको कराया है फॉर फ्यूचर रीइश्यू के क्वेश्चंस, उसके अंदर प्रीमियम पे रीइश्यू हुआ है। मैंने एक दिन बोर्ड पे करा रहा था, उसमें प्रीमियम पे, वो पहले प्रीमियम पे दियो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये प्रीमियम पहले नहीं है, लेकिन रीइश्यू प्रीमियम पे बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारे प्रीमियम हो जाएंगे, इससे कोई और बताइए। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेरी, कुछ और पूछना है किसी को? 12th क्वेश्चन में भी एक के साथ पैसा मांगा गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ये आप ले लीजिएगा। ठीक है, और कोई किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। अच्छा, 40 शीट का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये शीट मेरे को उतने अच्छे से समझ नहीं आई। कौन सी 40 शीट? यस सर। हाँ जी, ये ले लिए, ओपन कर दिया मैंने 40 शीट। 40 शीट आपने ट्राई किया था? 40 शीट के क्वेश्चंस? यस सर। यही सर, इसमें उस दिन जो आप बता रहे थे रीसूट के बाद फिर कॉल्ड अप एड अप, वही इसमें नहीं। मेरा निवेदन आपसे भाई साहब ये होगा दीप बाबू कि आप ये पूरी शीट को एक करें सिंसियरली,
और मैं आपको फिर इसका दूंगा सोल्यूशन, आप उससे चेक कीजिए इसको और फिर दिक्कत आएगी हम बात करेंगे, लेकिन इसके लिए एक प्रयास आपको करना पड़ेगा बस, और कोई बात नहीं। यस सर। हाँ बताएं कौन से क्वेश्चन में डाउट आपको आ रहा है? सर बी नंबर समझा दी। अच्छा बी नंबर में क्या गया, ऑल द सम्स ऑफ डील रिसीव्ड, कंपनी को सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट एक शेयर होल्डर जिसके पास 250 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए, कंपनी ने उसी समय ले लिए और कंपनी ने इन्हीं शेयर को 6 रुपए पेडअप पे रीइशू भी कर दिया 5 रुपए में, तो 6 रुपए पेडअप पे रीइशू कर रही है मतलब कंपनी अलॉटमेंट के बाद ही रीइशू कर रही है, और क्वेश्चन में लिखा भी है कि कंपनी ने रीइशू करने के बाद फर्स्ट और सेकेंड कॉल मांगा, तो अब ये बताओ कि ये कंपनी ने ये अले 250 शेयर फॉरफिट कर लिए, फिर इनको दोबारा शेयर होल्डर्स को दे भी दिया, लेकिन जब शेयर होल्डर्स को दोबारा दिया तो कंपनी ने उनसे 6 रुपए पेडअप पे दिया, 6 रुपए पेडअप पे दिया, कंपनी ने उनको 6 रुपए पेडअप पर दिया है, कंपनी ने 8 रुपए पेडअप पे नहीं दिया, कंपनी ने 10 रुपए पेडअप पे नहीं दिया, कंपनी ने उनको 6 रुपए पेडअप पे दिया, 6 रुपए पेडअप पे देने का मतलब ये हुआ कि कंपनी ने उनसे सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही तो पैसा लिया है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का तो रीइशू में लिया नहीं ना। यस सर। तो उनसे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी मांगेंगे जिनको रीइशू किया उनसे, फिर ले उनसे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल भी लेगी कंपनी, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने अमाउंट दे रखा था वो आपको जो अमाउंट दिया हुआ है मैंने दिया हुआ है 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 2 फर्स्ट कॉल 2 सेकंड कॉल, तो जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 6 रुपए पेडा आप मतलब कंपनी 6 रुपए के हिसाब से आपसे पैसा ले रही है, कंपनी ने अभी आपसे ये जो 2 रुपए का आपके पास सेकंड फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल है ये कंपनी ने अभी आपसे लिए ही नहीं है इसके पैसे, तो कंपनी इनके लेगी ना आपसे, जब कंपनी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांग रही है तो फिर ये लेगी, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कंपनी जब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगा तो जिनको रीइश्यू कर रही है उनसे फर्स्ट कॉल भी लेगी उनसे सेकंड कॉल भी लेगी। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बाद वाला क्वेश्चन में, बाद वाले क्वेश्चन में मैंने क्या दिया हुआ, इसके अंदर दिया हुआ 8 रुपए पेडअप पे रीइश्यू किया, 8 रुपए लिया मतलब कंपनी ने भले ही अलॉटमेंट के बाद रीइश्यू किया, अलॉटमेंट के बाद ही रीइश्यू कर दिया लेकिन 8 रुपए पे रीइश्यू किया, पेडअप पे रीइश्यू किया मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के बाद ही ले लिया। यस। और जब इनसे फर्स्ट कॉल मांगेगी तो ये जो 250 शेयर जिनका पैसा कंपनी ने पहले ही ले लिया है जो रिफॉर्फी, इनसे नहीं मांगेगी फर्स्ट कॉल, बाकी से मांगेगी, इनसे नहीं मांगेगी, लेकिन सेकंड कॉल तो इनसे मांगेगी कंपनी, सेकंड कॉल मांगेगी इनसे। इसी ढंग से डी पार्ट के अंदर भी यही है, डी पार्ट के अंदर मैंने बताया आपको कंपनी ने फुल्ली पेडअप रीइशू किया, फुल्ली पेडअप रीइशू किए, जब फुल्ली पेडअप रीइशू किए हैं तो कंपनी ने सारे पैसे पहले ले लिए, तो जब कंपनी यहाँ पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मांगेगी तो इनसे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मांगेगी, दूसरों से मांगेगी, क्योंकि इनसे 250 शेयर पे तो कंपनी ने पूरे पैसे पहले ही ले लिए ना, 250 शेयर पे कंपनी ने फुल्ली पेडअप रीइशू किया तो सारे पैसे ले लिए कंपनी। यस। ये है इसमें मतलब, एक सेकंड, ठीक है, तो इसके अंदर ये पॉइंट आ रहा है, बताइए इसमें और कहां पे आपको डाउट आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? सर इसी वाले क्वेश्चन में आ रहा है। बेस्ट तरीका ये है कि इसको आप एक बार सॉल्व करें, भले गलत सॉल्व करें सही सॉल्व करें उससे मतलब नहीं, एक बार सॉल्व करें, तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक तो समझ में नहीं आएगा। सर डी तक किया तो मेरे को लगा एक बार नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घबराए के रुकिए मत, हिम्मत मत हारिए, मंजिल थोड़ी सी मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। और बताएं, और कोई डाउट पूछना है किसी को? नो सर। एनीबॉडी एल्स? नो सर।